देखिए अशोक से जो जो मिलने आता है ना उसकी अच्छे से चेकिंग की जाए, ट्यूबलाइट, पंखे, सलाखे, टॉयलेट सब कुछ अच्छे से चेक होना चाहिए, क्योंकि ये शराबी शराब के लिए कुछ भी कर सकता है। करिश्मा जी आप खामखा वक्त जाया कर रही है, शराबी जिंदगी में कभी शराब नहीं छोड़ सकता, बुरी आदतें कहाँ छूटती है भाई। हमारे लल्ला को ही देख लीजिए ना, हमारे लल्ला ने कहाँ ही नहीं छोड़ा। कटाक्ष। करिश्मा सिंह। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। ये इकबाल और बदनाम कहाँ गए? देखो ऐसा है कि जब तक ये केस चल रहा है ना, तुम लोग मैडम सर की नजरों से हो जाओ फुर। हम उनको बोल देंगे तुम अपना ये टूटा हाथ और अपना जलील सा चेहरा लेके यहाँ से भाग गए हो। नहीं, हमको भी नहीं मालूम कहाँ चले गए। हमने भी बहुत ढूंढा लेकिन हमको नहीं पता कहाँ चले गए। अच्छा, कहीं आपने तो उन्हें गायब नहीं कर दिया? खब बात कर रही है मैडम सर आप, हम कोई जादूगर थोड़ी ना है कि दोनों पे रुमाल रखेंगे और दोनों गायब हो जाएंगे। हमको नहीं मालूम कहाँ गए। करिश्मा सिंह बात समझिए, अशोक शराब तभी छोड़ेगा जब ये बात उसके अंदर से आएगी, और जिसके लिए काउंसलिंग सिर्फ एक ऑप्शन है। आप क्यों अपने तरीके से कोशिश करने पर अड़ी हुई हैं? मैडम सर आप कैसे बच्चों जैसे जिद कर रही हैं अपना बात साबित करने के लिए। हमने जो कुछ भी किया है कानून के दायरे में रह के किया है, और हमको नहीं मालूम ये बदनाम इकबाल कहाँ फूर हो गए, हमको कहाँ पता। क्या बात कर रही है मैडम, तो आप कहें तो लापता गुमशुदा केंद्र में खबर करते हैं, वो लोग पता लगाएंगे। हाँ, और मैं आसपास के जितने भी पुलिस स्टेशन है ना, हर जगह उनकी फोटो और डिटेल्स भेज देती हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता चलेगा तो हमें सीधा इन्फॉर्म कर देगा। बिल्कुल सही, चीता और संतू तुम दोनों जल्द से जल्द ये करो। अब क्या है, भले कैसे ही चाय बनाए बदनाम है तो अपना ही ना, ढूंढना चाहिए दोनों को। क्या ढूंढना चाहिए, आप जूनियर, आपके सामने सीनियर खड़ी, आपको क्या लगता है ये सब इन्होंने नहीं किया? सब किया है, फिर भी हाथ कुछ नहीं आया है ना। हाँ हम सब कर चुके हैं, लेकिन पता नहीं कहाँ भाग गए ये बदनाम और इकबाल। वो गांव गए हैं। हैं? यूं किसी से मिल गई है, यूं किसी से मिल गई है, ये निगाह चलते चलते यूं किसी से मिल गए। हम बदनाम जी की मशहूर धर्म पत्नी है, हमारा नाम है डिम्पल और हम नेचर से बिल्कुल सिंपल। वो कहा ना बदनाम जी गांव गए हुए कौनो काम से, उनका दुकान भी तो देखना है चाय का, तो हम आ गए हैं इधर। अच्छा किया भाभी जी, करे नहीं संभाल रही है दुकान तो अच्छा है ना। हम खाली नेचर से सिंपल है, हम चाय एकदम कड़क बनाते हैं। वैसे आप लोग बिजी हैं तो बाद में चाय पी लीजिएगा, हम रख देते हैं, ठीक है? कड़क है का कड़क रही चाय, वो बोली ना भाभी जी चाय कड़क बनाती है। करिश्मा सिंह जी, आप जो करना चाहती हैं आप करिए, लेकिन एक चीज याद रखिए कि आप सब कुछ कानून के दायरे में रह के करेंगी, और ऐसा कुछ नहीं करेंगी जिससे महिला पुलिस थाना बदनाम हो जाए, ठीक है? जी। देख सिंपल डिंपल डिंपल, अरे तू जो भी है देख डिंपल, अरे जो शराबी है ना अशोक अशोक अशोक, हाँ वही ये कैरेक्टर तू, वो जो शराबी ना अशोक, अरे उसका मैटर जब तक सुलट ना जाए तब तक तुझे तेरी दुकान और मेरी दुकान दोनों संभालना है, अरे वरना हम रोड पे आ जाएंगे। कोई शक और सुन, काम जो है सही ढंग से करना है। ए, सच में तेरी बीवी नहीं समझा, ऑर्डर मत दे। अरे तो क्या हुआ, तो क्या हुआ, ले ले तू बन बन बीवी बन ले। ए, चाचा है, ए, भैया भैया अरे मजाक कर रहे, मजाक जस्ट चील 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 तुम करो, ठीक है? जितना तुम बदनाम बन के नहीं कमाओ ना उससे ज्यादा हम डिंपल बन के कमाएंगे। अरे लेकिन कैसे? सुन सुन, वैसे जैसे हम औरत बने ना भी, और औरत इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है, कुछ भी करा सकती है। तुझे अच्छी भी अभी तुझे डेमो दिखाता हूँ, फालतू आदमी। भाभी जी कड़क चाय पिला दीजिए। पी लीजिए।
आप ही बिल्लू जी हैं? हाँ हाँ हम ही बिल्लू जी है, बिल्लू द स्पाई। आपको कैसे पता चला भाभी जी? अरे बदनाम जी, आपके बारे में इतना तारीफ करते रहते हैं, दिन भर बस आपका तारीफ करते हैं। बोलते हैं जब बिल्लू जी अपना पीला पीला दांत से हंसते हैं ना, तो ना जाने कितने लड़की लोग का हार्ट फेल हो जाता है। मतलब आपका स्माइल बहुत दिलकश है। भाभी जी, अब अपने ही मुंह से मुंह मिठू मियाँ कैसे बने। भाभी जी, लेकिन आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो दिन रात मत देखो, टाइम मत देखो, मुझे आवाज दे दो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। मेरा दिल बहुत बड़ा है भाभी जी। बदनाम जी, आपके बारे में जितना बताए थे ना, आप उससे भी अच्छे निकले। मैं आपको कहा बताया, इतना असमंजस की स्थिति में बदनाम जी तो गाँव चले गए दुकान उनको देख के। इतने सुंदर चेहरे पे आंसू बहुत ही भद्दी दिखेंगे। भाभी जी, मुझे बताओ कितने पैसे चाहिए आपको? 10,000 रुपया। ठीक है, हो जाएगा जुगाड़, आज शाम तक आपको पैसे मिल जाएंगे। अब कितना फालतू आदमी है, अरे मतलब कितना अच्छा आदमी। हम कसम खाकर बोले, अगर हमारा बदनाम जी से ब्याह नहीं हुआ होता ना, तो हम आपका उजड़ा चमन चूम लेते, मतलब आपका माथा चूम लेते। अच्छा, तो अभी बदनाम भाई है नहीं तो चूम लूं। भाभी शर्मा गई। भाभी जी, आपका काम हो जाएगा और उसके बाद मेरा भी। इतनी शिद्दत से तुझे पाने की कोशिश की है, लेकिन इस थाने की पुलिस ने मुझे तुझसे ना मिलाने की साजिश की है। अरे कोई मुझे मेरी महबूबा से मिलवा दो। शराब के लिए तो मुझे अगर अपनी छठी दुकान भी बेचनी पड़े तो भी बेच दूंगा। अरे मेरी महबूबा, मेरी शराब, मेरी रसपरी, कहाँ हो तुम? भाईसाहब, इधर बैठो, बैठो, बैठो। तुम्हें शराब की बहुत जरूरत है ना? बहुत ज्यादा। अगर मैंने आपकी शराब का जुगाड़ कर दिया तो आपकी एक दुकान मेरे नाम कर दूंगी। शराबी हूँ, बेवकूफ नहीं। ठीक है ठीक है, ये डील कैंसल। मैं आपको आपकी शराब दे देता हूँ, कितने की चाहिए? 100-200 की, उतने आप मुझे पैसे दे दो। और मेरा कमीशन दे दीजिए, बस 10,000। बस सिर्फ 10,000? हाँ, सिर्फ 10,000। अरे दारू के लिए तो हम 10,000 तुम जैसों के मुंह पे मार दे। तो मार दो पहले दारू। ठीक है, एक हाथ से दे एक हाथ से ले। हाँ तो ठीक है, फिर पैसे लिखो, यहाँ से तुम्हें नंबर मिल जाएगा। है? नंबर लिखो, यहाँ से तुमको पैसे मिल जाएंगे। क्या है ना, जब हम होश में रहते हैं तो होश में नहीं रहते हैं। ओके, कल से मैं आपका शराब का सप्लायर। करिश्मा सिंह, हमने वो फाइल। जी जी, यही फाइल है मैडम से। बिल्कुल। ए बिल्ला, का ये का लेके जा रहे हो? ओ संतरा, संतरे संतरे, ये देखो संतरे। संतरे संतरे आपने मंगवाए थे ना कल, आपने वो नंबर दिया था ना फ्रूट वाले का, उसी से आए संतरे। हाँ संतरे। अरे होश में हो ना तो कुछ याद नहीं रहता। अरे हाँ मैडम, हम ही ने संतरे मंगवाए थे, आपने बोला ना दारू छोड़ने के लिए, इसलिए हम फ्रूट डाइट पे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमको ये सुनकर कि तुम अपने सेहत का ध्यान रख रहे हो, संतरा खा रहे हो। खाओ खाओ खाओ। अरे संतरा तो लाए चखना। चखना चखना आपको चखना है संतरा? आपको संतरा चखना है?
आपको खाना है तो खा लीजिए, नहीं जाओ जाओ तुम खाओ। थैंक यू मैडम। करिश्मा सिंह जी, गुड प्रोग्रेस जी। बिल्लू जी, आज से हम आपके खास दोस्त हैं। आपको जिंदगी में कभी भी कोई दिक्कत परेशानी होगा ना, तो सीधा देवी माँ का ध्यान कीजिएगा, आपको सब परेशानी से छुटकारा हो जाएगा। और हमको कोई दिक्कत होगा ना तो हम आपकी याद करेंगे, ठीक है? थैंक यू डिंपल भाभी।